हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंस पियर्स। तो कैसे हो फ्रेंड्स, सब लोग ठीक हो ना? आई होप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज मैं आप सभी के साथ कोई ब्लॉग शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि रोज़ रोज़ वही काम, वही खाना, वही किचन, वही रूम, वही बातें अच्छी नहीं लगती, बोर हो जाते हैं देखने वाले भी। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ एक छोटी सी सिंपल सी रेसिपी। तो यहाँ मैं अपने आंगन में आई हूँ और देखिए, अरबी का पौधा लगा हुआ है। बहुत सारा पौधा एक ही जगह लगा हुआ है और इसमें से बहुत से अच्छे अच्छे से पत्ते निकले हुए हैं, तो वही मैं तोड़ रही हूँ। और यहाँ पे छोटे छोटे से पत्ते, इनको भी मैं तोड़ रही हूँ। लालच आ रहा है इतने अच्छे अच्छे पौधों को देख के, पत्तों को देख के, सॉरी, इतने अच्छे अच्छे पत्तों को देख के लालच आ रहा है। दिल कर रहा है कि इनको कहीं सजा के रख दूँ, पर सजाने वाली चीज़ नहीं है तो खाने वाली चीज़ है ना। तो मैंने अभी तोड़ लिया है जितना का मुझे काम था, और अब मैं इनको लेके आऊँगी किचन में और इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 ऐसे करके टाइम हो रहा है। तो आज सुबह में मैंने प्लान कर लिया था कि कढ़ी चावल बनाऊँगी। तो क्या है ना कि कढ़ी चावल के लिए मैंने दाल भिगो के रखा था, चावल के लिए नहीं, दाल कढ़ी के लिए दाल भिगो के रखा था, चना का दाल, तो वो मेरा ज़्यादा हो गया था। तो मैंने सोचा कि सिंपल वाली सिर्फ कढ़ी बनाती हूँ, उसमें जो पकौड़े पड़ते हैं वो पकौड़े नहीं बनाऊँगी, उसकी जगह पर मैं आज पेची के पत्ते के पकौड़े बनाती हूँ। तो वही दाल जो है मैंने रखा हुआ है पीस कर, तो अभी मुझे कढ़ी चावल और इसके पकोड़े बनाने हैं। तो मैं कोई और बाकी कुछ नहीं दिखाऊंगी यहाँ पे, सिर्फ इसके पकोड़े जो बनाते हैं वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लूंगी, जो इसकी डंडी है उसको काट लूंगी और इसको उलट पुलट के मैं देख लूँगी कि कीड़े वगैरह ना हो, क्योंकि बरसात में इस तरह की जो पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं या फिर साग वगैरह होता है, उनमें छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, पता भी नहीं चलता, दिखता भी नहीं है, पर होते हैं। तो वही अच्छे से यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ, और इसको कर लेने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से धो लूँगी। और मेरे घर में इस तरह की जो सब्जियाँ होती हैं जो मुँह काटती हैं, मतलब मुँह काटने का मतलब गले में थोड़ा सा अजीब तरह का लगता है, ये अरबी का सब्जी हो या अरबी का पत्ते का जो भी हो और या फिर सूरन हो, तो ये सब मुँह काटने वाली सब्जी होती है। तो मेरे घर में ये सिर्फ मैं और मेरी सास, हम लोग दो ही लोग बस ये खाते हैं, बाकी कोई लोग नहीं खाते हैं। तो आज मैं ये पकौड़ी बना रही हूँ, तो ये भी ना तो इसके बाबू के दादा खाएंगे ना ही अविनाश खाएंगे, तो सिर्फ मैं और मम्मी जी, दो लोगों के लिए इतना पत्ता काफ़ी है। तो अभी मैं इसको अच्छे से धो ले रही हूँ, और धोने के बाद फिर मैं इसका पकौड़ी बनाऊँगी। तो इसको अच्छी तरह से 2-4 पानी धो लेना होता है, वैसे इस पर पानी ठहरता नहीं है, धोना इसको मुश्किल होता है, पर इसी तरह से देखिए दोनों तरफ पलट पलट के इसको अच्छे से पानी में धो के, और फिर मैं इसका जो पानी है वो अच्छे से, वैसे इस पर पानी ठहरता ही नहीं है, पर फिर भी मैं इसको अच्छे से झाड़ लूँगी। कितने सुंदर दिख रहे हैं ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि इसको बेसन में लपेटूँ, लग रहा था कि बस ऐसे इसको रखे रहूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी के टाइम का जो भी पत्ता वगैरह होता है ना, उसमें कीड़े बिल्कुल ही पत्तों को नहीं खाए होते हैं, कहीं भी होल नहीं है, छेद नहीं है, कोई भी पत्ता ख़राब नहीं है। मैंने 2 सिर्फ पत्ते को फेंक दिया, क्योंकि वो हल्का सा फट गया था बीच से, इसलिए मैंने उसको फेंक दिया, बाकी सारा पत्ता एकदम साफ़ सुथरा था, कीड़े भी नहीं थे, एकदम फ्रेश था। तो देखिए, यही मैंने दाल अलग निकाल के रख ली है, बाकी कढ़ी के लिए मैंने अलग पीस के रख लिया है, महीन करके थोड़ा सा उसमें ज़्यादा पानी मिला के अलग रख दिया है। और ये मैंने पकौड़ी के लिए इतना चना का दाल, सिर्फ मैंने चना का दाल रखा था उसी को पीस के, और यहाँ पे मैंने उसमें चावल का आटा ऐड किया है 2-2.5 चम्मच, और उसके बाद मसाला, और अभी मैं नमक डाल रही हूँ। और मसाले में वही जो मैं पकौड़ी में हमेशा मसाला लेती हूँ, काली मिर्च, जीरा, लाल मिर्च, हल्दी बस, और लहसुन, ये 4-5 चीज़ मैं लेती हूँ। जीरा मैंने बता दिया, काली मिर्च बता दिया, हल्दी बता दिया, और मिर्च बता दिया, और लहसुन, ये 5 चीज़ मैं लेती हूँ, वही मैंने पीस के यहाँ पे रखा था, और उतना मसाला मैंने कढ़ी के लिए रखा है। और बस अब इसमें मैंने मिक्स कर लिया है सारा कुछ, अब बस जो पत्ते हैं ना, हाँ, और यहाँ पे मैं इसमें खटाई डाल रही हूँ, तो ये आम की खटाई है, आमचूर पाउडर, वो मैं इसमें मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ये सब मुँह काटने वाला पत्ता होता है ना, तो इसमें खटाई बहुत ज़रूरी होती है। तो अभी मैंने इसमें खटाई भी मिक्स कर लिया है, और अब बस इसको अच्छी तरह से इस पत्ते पे लपेट के, मतलब फैला के लगा देना है,
और ये थाली में मुझे दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे ये जो चॉपिंग बोर्ड है वो रख के और उस पर रख के अच्छे से लगा लूँगी। तो इसी तरह से सारा जितना भी पत्ता मैंने धो के रखा है सब पे थोड़ा थोड़ा बेसन लगा के और ऐसे ही उसका एक बंडल बना लूँगी लपेट के, इसको अच्छी तरह से टाइट लपेट के और धागे से मैं बांध लूँगी। और इसमें आप चावल का जो मैंने दाल पीस के रखा था, चने का दाल का जो मैंने बेसन बना के रखा था, उसमें चावल का आटा अगर आप मिक्स कर देंगे 2 चम्मच तो बहुत ही अच्छा कुरकुरा बनता है। कोई भी पकौड़ी अगर आप बना रहे हैं और उसमें चावल का आटा आप थोड़ा सा 1.5 चम्मच ऐड कर देंगे ना तो बहुत ही कुरकुरा बनता है। तो देखिए अभी मैंने इसका बंडल बना लिया है और धागे से इसको बांध दिया है और अभी मैं इसको डायरेक्ट इस तरह से पानी में रख के और लगभग 5-6 मिनट तक इस तरह से इसको बॉयल कर लूँगी। देखिए अभी ये अच्छे से बॉयल हो चुका, मैं इसको निकाल ले रही हूँ और निकालने के बाद जो इसमें धागा मैंने लपेटा है उसको हल्के हाथों से मतलब निकाल लूँगी ताकि जो पत्ते हैं वो कटे ना और आसानी से निकल जाए। तो खींच के इसको नहीं निकालना होता है, बड़ी आसानी से घुमा घुमा के और आराम से निकाल लूँगी मैं इसको। और जो 2 पत्ते बच गए थे ना, जो फट गए थे बीच से, उसी को मैं यूज करूँ यहाँ पर, मैंने उसी में रख लिया है। तो मैंने बोला ना आप सभी को कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था इनको फेंकने का और पत्तों का पकौड़ी बनाने का, इसलिए मैंने इन 2 पत्तों को बचा के रखा है। और अभी ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसके ना पतले पतले से स्लाइस काट लूँगी। थोड़ा सा अभी गर्म है इसलिए मुझे थोड़ा सा गर्म गर्म लग रहा है इसलिए मैं काट नहीं पा रही हूँ, पर धीरे धीरे करके मैं काट लूँगी। तो देखिए अभी इसके इस तरह से स्लाइस काट लेने हैं पतले पतले से। और बस अभी इनको मैंने काट लिया है और अब बस इसको तेल डाल के और फ्राई कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाल लिया है और ये जब अच्छे से गर्म हो जाएंगे फिर मैं इसमें जो मैंने तैयार करके रखा है ना इसको डाल के और फ्राई कर लूँगी मैं इसको अच्छे से। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, कुरकुरी सी और टेस्टी लगती है। अभी मैं इसको पलट दूंगी अच्छे से। तो देखिए मैंने पलट लिया है और दोनों तरफ से इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है मीडियम आंच पे और फ्राई करके और निकाल लेना है। और थोड़ी देर में ये बहुत ही कुरकुरी सी अच्छी लगी खाने में। तो इसको बनाने का मूड पहले से नहीं था, अचानक बस मैं गई उधर ना तो मेरा मन कर दिया कि आज बनाती हूँ। और चना का दाल भी बच गया था, और चना का दाल बचा क्या था, मैंने तो कड़ी ही बनाने के लिए, कड़ी और पकोड़े जो बनते हैं ना कड़ी में डालने वाले, वो बनाने के लिए मैंने डाला था, पर मैंने सोचा कि आज इसको बना लेती हूँ। तो देखिए अभी मैंने इसको फ्राई कर लिया है और बस अब ये तैयार है और जो बचा है वो भी मैं कर लूँगी। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक